अब हर कोई पूछेगा कि भाई हवेली में क्या चल रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि एनटीवी का कहना है। दरअसल एनटीवी पर जल्द ही एक नया शो शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है और भाई क्या चल रहा है। बता दें कि इस नए धारावाहिक में शकीना मिर्जा के किरदार में आकांक्षा मिश्रा, फराना परवीन शांति मिश्रा के रोल में और पवन सिंह जफर अली मिर्जा के किरदार में नजर आएंगे। यहाँ पर कई स्थानीय कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस शो में दिखाया गया है कि जब दो अलग अलग संस्कृतियों से आने वाले परिवार एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर हो जाते हैं तो रोज क्या क्या होता है। मिश्रा और मिर्जा परिवारों के बीच की मीठी नोकझोंक को इस शो में दर्शाया गया। बहुत मजा आ रहा है करने में और मतलब एक लाइव लोकेशन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं और सब कुछ लाइव चीजें हैं। मतलब हमको कहीं बाहर जाके घूमने की जरूरत नहीं है। बहुत प्यारी नक्काशियां यहाँ आपको देखने को मिलेगी। लाइव हवेली है, लाइव प्रॉप्स हैं, लाइव चीज़ें हैं, ठीक है। और रही बात कैरेक्टर की तो कैरेक्टर भी बहुत प्यारा है। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह के हम खुद हैं अपनी निजी ज़िंदगी में इसी तरह का हमारा कैरेक्टर है। और सकीना एक बहुत ही अपने में रहने वाली लड़की है और सिर्फ उसको अपने शौहर को अपनी उंगलियों पर नचाना आता है जो कि वो बखूबी जानती है और वही शो में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, उसको शांति से भी मतलब प्यार करती है, सब कुछ है, एक दोस्ती है, लेकिन वही है कि मेरा सूट तुमसे ज़्यादा अच्छा है, वो एक चीज़ें रहेगी ह्यूमर के लिए। पर बाकी बहुत ही मज़ा आ रहा है काम करना। बाकी शोज़ हैं उससे अलग, कॉमेडी, तड़का, फ्लेवर, सब कुछ आपको अलग देखने को मिले। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे है, सब कुछ लाइव है, सब कुछ लाइव, एक एक चीज़ आपको, सपोज़ आप फर्स्ट एपिसोड भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पूरा सेट बनाया नहीं गया है जिसको कभी भी तोड़ के आप कभी भी किसी और लोकेशन पे लेके जाएंगे। हमें नहीं लगता कि प्रॉपरली ये कहीं और जाना भी चाहिए बिकॉज इट्स वेरी गुड। इसमें मेरा रोल है जफर अली मिर्ज़ा का, जो लखनऊ का एक नवाबी बंदा है जो एक हवेली में रहता है। उसके अकॉर्डिंग कि उसकी हवेली पूरी थी लेकिन उसके पड़ोसी ने आधी हवेली पर हिस्सा कर लिया है और बेसिकली ये अपनी बेगम से बहुत प्यार करता है। उससे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, उसकी मोहब्बत का गुलाम है। अगर उसको कोई झाड़, मतलब बेसिकली घर का काम उसे करना नहीं है, झाड़ू पोछा नहीं लगाना, लेकिन बेगम ने एक बार प्यार से देख लिया तो बस उसी की आंखों में ढह जाएगा वो। तो ये उसका कैरेक्टर है कि बोल ही नहीं पाता अपनी बेगम से। चाय का बहुत शौकीन है, चाय बहुत अच्छी बनाता है, चाय की एक दुकान है लखनऊ में, उसकी काफ़ी फेमस शॉप है चाय की। लेकिन सोचते तो यही है ना कि कई बार होता है कि हमेशा नवाबी ठाक हैं तो वो तो रहेंगे ही, कि चाय भी बनाएंगे तो वो भी तहजीब से बनाएंगे कि हम बना रहे हैं चाय। तो ये चीज़ है कैरेक्टर। ये दोनों परिवार पुरानी नवाबी हवेली में साथ साथ रहते हैं और दोनों ही उस हवेली पर अपना हक जताते हैं। दोनों परिवारों में से कोई भी हवेली को बांटना नहीं चाहता और यही वजह बनती है रोज रोज के झगड़ों की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शो बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि लखनऊ में हो रहा है और मैं खुद लखनऊ से हूँ, बस मज़ा आने वाला है शो। लखनऊ के हैं सर, आपके बाकी कुछ जो कलाकार हैं वो बाहर से हैं, लखनऊ वो आए हैं तो आपने उनको स्वागत किया, आपने घुमाया लखनऊ? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग खूब घूमे हैं, रूमी दरवाज़ा, इमामबाड़ा, जो भी लखनऊ में देखने की चीज़ें सब हम लोग घूमे हैं। मुझे तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत अलग तरीके की कॉमेडी है और लखनऊ में है तो जो लखनऊ की जो भाषा है जो हमारे आपके बीच बोली जाती है चीज़ों को लेकर के, तो वो है, तो वो मज़ा देने वाला है। गंगा जमुना जो तहजीब है, हाँ जी, गंगा जमुनी तहजीब जो है वो देखने को मिलेगी कि तकरार भी है और प्यार भी उतना ही है। जी, ये शो जो है वो एनटीवी का शो है और इसमें मैं निभा रही हूँ जो किरदार वो है शांति। शांति का एक किरदार है, एक मिश्रा परिवार है जिसमें मिश्रा परिवार में एक जो हस्बैंड है मेरे वो रमेश प्रसाद मिश्रा हैं और उनकी वाइफ हैं शांति मिश्रा। जो शो है वो हमारा मतलब अपने एक बहुत ही नॉर्मल सी कहानी, ऐसा नहीं है कि इसे हमने किसी कुछ डेकोरम के साथ बनाया है या कुछ वैसा। इसमें बहुत ही सोशल, बहुत ही जुड़ी हुई लोगों से, सबकी आम ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और हम अपनी एक नॉर्मल लाइफ में ही जैसे एक कुछ चीज़ों में कभी उलझ जाते हैं फिर उनसे बाहर निकल आते हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घर की, घरेलू किस्से, घरेलू बातें, तो उस तरह की चीज़ें हैं जो हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है वो ज़रूर पसंद आएंगी। बॉलीवुड की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें माई भारत।